तो भाई साहब, अब हम करने जा रहे हैं बफर्स। मैंने अभी तक तुमको क्वेश्चन नहीं कराए शॉर्ट हिट ऑल से। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन दोनों में कंफ्यूज करने वाला होता है, और आपको बताऊंगा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है जी। बफर सॉल्यूशन, छोटे तो सर पढ़ते आ रहे हो, आपका ब्लड बफर है। आपका ब्लड बफर है कि नहीं है? पढ़ा ये बात कहीं पे कि नहीं? योर ब्लड इज द बेस्ट बफर। ये मंजीत मैम तो बात बताई होगी, क्योंकि ये बात मेरे को भी उन्होंने बताई थी। है ब्लड इज बेस्ट बफर। क्यों? तुम देखो एसिडिक चीजें भी खा लेते हो और बेसिक चीजें भी खा लेते हो, तुम्हारा ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता। यानी कि इसकी वैल्यू होती है ब्लड के पीएच की 7.3, 7.4, ठीक है, जितनी होती है इतनी ही रहती। चाहे तुम खट्टी चटनियाँ खा लो, अदरे समोसे, ठीक है, कड़वी चीज़ें भी खा लेते हो, बेसिक चीज़ें भी खा लेते हो, फिर भी तुम्हारा ब्लड का, जब तुम्हारा ब्लड का पीएच खराब हो गया ना, समझ लो तुमको कैंसर हो गया। ये तभी होता है, ब्लड का पीएच खराब हो जाए। कैंसर टेस्ट में फिर वो पीएच के लिए चेक करते हैं। इट इज वन ऑफ द वे, बट तुमको बता रहा हूँ इजिएस्ट वे, कि तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारी बॉडी में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई, अनकंट्रोल्ड अगर पीएच चेंज हो गया, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आ गया। ठीक है, कैंसर हो सकता है और बड़ी चीज़ें हो सकती है ना, समझ लगी? क्योंकि बॉडी में बड़ा कुछ होता है, शुगर लेवल चेंज हो जाए, है ओवेक्स टू है, चोकर ओ लाया तू, गद्दी वाली चीज लाया तू, ओ ला गद्दी वाली, मालूम है सामान, वो गद्दी ने चुकड़ा था कि खाली पई हो, उधर ही बह जाए ना, डफर नहीं बफर। ठीक है, बफर क्या होता है? ऐसी एक बफर एक चीज होती है, ठीक है ना, जिसका पीएच एसिड और बेस डालने से चेंज नहीं होता। एसिड ऐड कर दो या बेस डाल दो, उसका पीएच चेंज जितना है उतना ही रहता है। कुछ कैपेसिटी होती बफर की, कि कितना एसिड डाल दो, कितना बेस डाल दो, ताकि उसका पीएच चेंज ना हो, उतनी तक वो टॉलरेट कर सकता है। बहुत ज़्यादा हद ही हो जाए तो फिर तो पीएच चेंज होएगा ही ना। बफर एक ऐसी चीज़ है जिसका एसिड और बेस डालने में पीएच चेंज नहीं होता, समझ लगी? और आपको बेस्ट एग्जांपल बफर की क्या है? लहू, ब्लड बहू नहीं लहू। ठीक है, क्लियर है? और क्यों? देखो आप कि चटनियाँ भी खा जाते हो, बड़ी तरह की चीज़ें खा जाते हो, खाते कि नहीं? चटनी खाती कि समोसे ना, स्प्रिंग रोल ना, क्या जरा मजी ना, स्प्रिंग रोल इज बेटर, है ना, स्प्रिंग रोल इज बेटर। और आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल बफर का हो गया फिर डफर ब्लड, ठीक है ना। असल में मेरे कहते ना, लहू के दो रंग, बफर के दो रंग बोल रहे, है ना, ब्लड बफर ही है, ठीक है ना। अब देखो, दीज आर सोल्यूशन विच रिजिस्ट पीएच चेंज में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेसिस एडेड। दीज सोल्यूशन कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट चेंजिंग द पीएच, बट ऐसा नहीं होता। बफर का पीएच थोड़ी धीरे धीरे खराब होता रहता है। दिस इज अ बिग बुलशिट थिंग। ये मैंने खुद एक ऑब्जर्व किया, जब मैंने क्या करा, 2-3 दिन पुराना बफर यूज़ कर लिया, नहीं हफ्ता पुराना बफर यूज़ कर लिया था, उसका पीएच पहले हफ्ता पहले 7 पॉइंट कुछ था फ्रेश और कंप्यूटर 6.4 हो गया था बाद। ठीक है, तो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि तो आपकी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, बीच में जाती रहेगी, जब सोल्यूशन खोलोगे पानी में कार्बोनिक एसिड बनता जाएगा, धीरे धीरे पीएच चेंज 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 कैपेसिटी है ना उसकी, फिर दफा फिर खत्म हो जाएगा, और क्या। अब ठीक, अब देखो, देर इज नो अप्रिशिएबल चेंज इन देयर पीएच वैल्यू डल्यूशन से भी, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन होती है दोनों की, अभी देखते हैं आगे जाके कैसे। ठीक है, अब देखो बफर जो है वो दो तीन तरह का होता है, बेसिकली दो तरह का पहले बोल सकते हो, सिंपल एंड मिक्स्ड। सिंपल है मतलब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आपने सिर्फ क्या किया, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट ले लिया, उसका सोल्यूशन बना लिया, वो बफर का काम कर सकता है। ठीक है जी, ऐसे अमोनियम एसिडेट को पानी में घोल दिया, वो बफर हो सकता है। ठीक है, मिक्स्ड बफर मतलब क्या होगा? मिक्स्ड बफर में दो कैटेगरी आ जाती है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर के जैसे बोलता है, उसमें क्या लेना है, वीक एसिड लेना है और उसका सॉल्ट,
वीक एसिड लेना है प्लस वीक एसिड, उसी वीक एसिड का क्या लेना है, ऐसे बेसिक बफर में क्या होगा, वीक बेस प्लस उसका सॉल्ट, उसी बेस का सॉल्ट लेना, यानी कि और बेस का सॉल्ट लेना, उस जो बेस यहां पे लिखा है वीक बेस, वही बेस कहां पे रहना चाहिए उसका, वही पॉजिटिव पार्ट कहां पे रहना चाहिए, सॉल्ट में। हो गया, आपको पता है कि सॉल्ट में नेगेटिव पार्ट किसके आता है, एसिड से, और पॉजिटिव पार्ट कहां से आता है, बेस से। ठीक है जी, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्यों ऑल क्लियर है, क्लियर है। अब एक बात याद रखना, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बफर का काम नहीं कर सकते। ठीक है भाजी, बात क्लियर हो गई। अब देखो कैसे चलते हैं कि बफर काम कैसे करता है एक्चुअली, लेट्स गो एंड मूव फॉरवर्ड। इस अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, पीएच निकालना पड़ेगा, है ना, हर एक बफर का एक पीएच होता है, तो आपको पीएच इसका तो वही फॉर्मूला है जो आपने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में करा था, पीएच का, पीएच ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड, ओए गलत लिखा कुत्ते ने, ये अंग्रेजी गलत लिखी है, इधर वीक एसिड एंड वीक बेस, क्योंकि ये अमोनियम है वीक बेस, ये एसिटेट है वीक एसिड, एग्जाम्पल नीचे वो लिखी, ऊपर क्या है टाइपोग्राफिकल एरर। देखा, बड़ी बड़ी किताबों में बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, हालांकि तुम तो यही लिख के आओगे ना। तो इसका सॉल्ट ले लो वीक एसिड और वीक बेस का, उसकी हाइड्रोलिसिस के अंदर जो पीएच वाला फॉर्मूला आया, वही फॉर्मूला पीएच का यहाँ पे चल जाएगा, बात खत्म होगी। इसकी पीएच की डेरिवेशन करनी थी, वो बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो मिक्स्ड बफर, मिक्स्ड बफर के अंदर पहले एसिडिक बफर की बात करेंगे हम, उसका पीएच निकालेंगे। बहुत सौखा चैप्टर, चैप्टर सौखा क्या औखा है, इजी है ना। चलो अब देखो, वीक एसिड लिया और उसका सॉल्ट, ये वीक एसिड कौन सा है, एसिटिक एसिड, और इसमें सोडियम एसीटेट ले लिया, ये HCl लिया और KCl ले लिया, ठीक है ना, नेगेटिव पार्ट सी ए नेगेटिव, यहाँ पे भी सी ए नेगेटिव, सोडियम ड्राई हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड सोडियम हाइड्रोजन डाई सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, दो हाइड्रोजन है, ठीक है जी, उसका सॉल्ट ले लिया। ठीक है, H2CO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, देखो ये आपके ब्लड में होता है, एंड विच कीप्स पीएच 7.3, मैंने क्या बोला था, 7.3 के 4 में कोई एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं, इतना ही वैसे जनरली अगर आप देखो अगर बायो में पढ़ोगे ना, वहाँ पे वैल्यू ये लिखी होगी 7.25। ठीक है जी, क्लियर है। और बेसिक बफर वीक बेस एंड उसका सॉल्ट, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड, अमीन एंड अमोनियम क्लोराइड, ये अमीन ग्रुप है NH2, और उसके ऊपर एच ऐड कर दो, अमोनियम बन गया। ठीक है ना, क्योंकि देखो अमोनियम आयन क्या होता है, जब नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड बनाए हो, ठीक है, जरूरी नहीं सेम चीज के साथ बनाए हो, अलग अलग चीजों के साथ भी बन सकते हैं। व्हेनेवर नाइट्रोजन फॉर्म्स फोर बॉन्ड्स इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पे RnH2, यहाँ पे क्या अमोनिया का स्ट्रक्चर आपने करा हुआ है, यहाँ पे एक एच की जगह क्या लग गया है, आर लग गया, यही फर्क हुआ। यहाँ पे एक चौथा एच लगाओ, ये बन गया अमोनियम आयन, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है जी। और यहाँ पे Cl नेगेटिव, इसका बॉन्ड बनाओ कि नहीं बनाओगा, इट इज जस्ट एन अट्रैक्शन, ये सलमान खान है, एक लड़की है ये, ठीक है, अट्रैक्शन बी या नेगेटिव अगर पास में हो उसके साथ भी हो सकती है, क्योंकि इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है जी, समझ लग गई पाजी, समझ लग गई। ये मत सोचना कि अमोनियम क्लोराइड में इसके और इसके बीच में कोई बॉन्ड है, इट इज जस्ट एन अट्रैक्शन, ठीक है जी। अब बफर एक्शन कैसे, अब बफर एक्ट कैसे करता है, हाउ इट रिजिस्ट इट्स चेंज इन पीएच, बफर कैसे अपना पीएच चेंज नहीं होने देता, ठीक है जी। इट इज मैकेनिज्म बाय विच बफर एक्शन क्या होता है, इट इज मैकेनिज्म बाय विच बफर सॉल्यूशन रिजिस्ट पीएच चेंज, कैसे करेगा। मैं बात करने जा रहा हूँ पहले एसिडिक बफर की, ये आपका उसका सॉल्ट था, ये आपका उसका क्या बोलते हैं वीक एसिड था, ठीक है जी, ये वीक एसिड है, ठीक है। अब देखो सॉल्ट तो आपको पता है पूरे का पूरा टूट जाएगा, बिकॉज सॉल्ट ऑफ एनी
बेस और एनी एसिड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, क्लियर हो गया। एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम वीक एसिड का इक्विलिब्रियम लिख सकता हूं मैं, दिस रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये एसिटिक एसिड का लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी बहन जी, अब मान लो आपने क्या करा, एच पॉजिटिव डाला, ये दोनों चीजें सोल्यूशन के अंदर ही है, ये दोनों रिएक्शन सोल्यूशन के, ठीक है जी, ये दोनों लिखोगे ना, अगर अगर दोनों चीजों को पानी में डाल दोगे इकट्ठा ही, तो आप ये दोनों चीजें लिखोगे, और आपको पता है इस रिएक्शन में क्या होता है, ये तो पूरी तरह नहीं टूटेगा, ऑलमोस्ट अनआयनाइजेस, ठीक है, इसको ऑलमोस्ट अनआयनाइज नहीं, पहले हमने इसकी शुरुआत इसने नहीं दी हुई, इसने सीधा ही वहां पहुंच गया, क्या बोलते हैं, देखो ये सॉल्ट था, इसकी तो कंप्लीटली टूट जाएगा, अब एसिड की लिख दो, ठीक है, अब ये देखो, अब ये दोनों में कॉमन आयन है कोई, एसिटेट है, ठीक है, अब जब ये दोनों डाले हो गए तो ये इसको टूटने देगा, क्योंकि तो ये इक्विलिब्रियम में चला गया इधर वाली साइड पे, ये वापस इसको कर देगा, ये ना ऑलमोस्ट दिस कॉमन आयन इफेक्ट, कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दो वीक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट तो की जो डिसोसिएशन है और भी क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, यही था कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है जी, अब देखो जब आगे क्या होएगा, व्हेन यू ऐड एच पॉजिटिव, आपको पता है एच पॉजिटिव आया, इस वाली इक्वेशन में एच पॉजिटिव इन्वॉल्व है नहीं है, इस वाली इक्वेशन में एच पॉजिटिव इन्वॉल्व है, ये इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन में, अब एच पॉजिटिव इधर की साइड ऐड हो रहा है, और ली कैटलर प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये दोनों कंबाइन होकर वापस किधर कन्वर्ट हो जाएंगे, CH3COOH में, आपको लगेगा आपका एसिड टूटा ही नहीं है, जो आपने एच पॉजिटिव डाला वो सारा यहाँ एडजस्ट हो गया, इसको पीछे चला गया, मतलब आपका एसिड, आपको लगेगा आपने एसिड डाला नहीं है, पीएच चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि एच पॉजिटिव यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा, समझ लग गई है। अब अगर आप क्या करते हो, व्हेन यू ऐड बेस, व्हाट हैपेंस, बेस क्या करेगा, इस एच पॉजिटिव को उखाड़ लेगा यहां से, वो अपने साथ ले जाएगा इसको, अभी और थोड़ा सा टूट जाएगा, आपको लगेगा एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चेंज हो ही नहीं, समझ लगी, बेस यहां से एच पॉजिटिव लेके अपने साथ ले जाएगा, ठीक है जी, समझ लगी है। व्हेन यू ऐड बेस वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डफर क्या कर दिया है, अच्छा ये वीक ऐसे वीक में इसका है, ये किसका है, ये हम गलत एग्जाम्पल उठा के ले चल पड़े, ठीक है जी, मैं बात कर रहा था वीक एसिड और उसके सॉल्ट, सॉरी सारा जो डेरिवेशन है वो क्या हो गया है, मतलब है ठीक, वो चल रहा है, तो हम गलत जगह पे एक्सप्लेन कर रहे थे उसको, ठीक है जी। अब ये देखो, पहले हम बात कर लेते पहले टाइप की, सॉरी यार एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको, पहले हम पहले इसके इस कैटेगरी की बात करने लगे हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सबसे पहले ठीक है, गड़बड़ कहाँ हुई वो आपको पता लग जाएगा, मैंने सॉल्ट की तरफ देखा नहीं, मैंने सिर्फ वही देखते लगे, मैंने अमोनियम देखा नहीं, मैंने सिर्फ एसीटेट आयन की तरफ ध्यान दे दिया, ठीक है। अब देखो अमोनियम एसीटेट को पानी में डाला, ये दो आयन बन गए, ठीक है, अगर आप एच पॉजिटिव डालोगे, एच पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, जो कि वीक एसिड है, टूटेगा नहीं, यानी कि आपका एच पॉजिटिव गायब हो गया, सोल्यूशन के अंदर आया ही नहीं। अगर आप OH नेगेटिव ऐड करोगे तो वो अमोनियम के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये भी नहीं टूटता, क्योंकि ये क्या है, एक वीक बेस, तो आपका OH नेगेटिव भी एडजस्ट होगा और एच पॉजिटिव भी एडजस्ट होगा, इससे आपको क्या पता चला है, भाई साहब आपका पीएच चेंज नहीं होगा, ये सिंपल ऐसे एक्ट करता है, सिंपल खत्म, इसकी एक्सप्लेनेशन सिंपल है, दिस इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बफर ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। नाउ वी विल कम ऑन टू बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, ये देखो वो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, ये दोनों मिक्स करके डाले, ये इसका इक्विलिब्रियम ये हो गया, इसका इक्विलिब्रियम ये हो गया, अब यहाँ पे कॉमन आयन फैक्ट लगेगा, लगेगा ये दो आयन कॉमन है ना इसमें, तो इसको इसकी डिसोसिएशन क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। अब जब आप एच पॉजिटिव डालते हो, एच पॉजिटिव किधर जा रहा है, इधर वाली साइड पे जाएगा, इसके साथ कंबाइन करें पीछे चला जाएगा, यही हुआ एच पॉजिटिव प्लस एसिटेट कंबाइंस CH3COOH,
ठीक है जी। अब अगर आपने इस सोल्यूशन के अंदर क्या डाल दिया है, क्या डाल दिया भाजी, अगली चीज क्या डालनी है, या तो एसिड डालना है या क्या डालना है, बेस डाला। ठीक है, बेस क्या कर रहा है देख लो, इसने इसने गलत कुछ रिप्रेजेंट कर दिया। बेस ने क्या करा है, बेस ने यहाँ से एच पॉजिटिव उखाड़ लेना, बेस विल टेक दिस एच पॉजिटिव विद इटसेल्फ, और ये अगर ये कंज्यूम हो गया, ये आपको पता नहीं कैटलेट प्रिंसिपल क्या बोलेगा, ये और ज़्यादा टूटेगा। ठीक है जी, ये उतना टूटेगा ताकि जितने एच पॉजिटिव बाहर निकले उतने एच पॉजिटिव वापस आ जाए, ताकि वापस से इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाए। यही होता है ना, समझ लगी बात, क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ऐसे होगा, आपको लगेगा आपका एसिटेट मतलब कि एच पॉजिटिव चेंज नहीं हुआ आपका, यानी कि पी एच चेंज नहीं हुआ। समझ लग गई बात, क्लियर हो गई है बात, क्लियर होगी। नेक्स्ट आप खुद एक्सप्लेन करोगे, समझाओगे मेरे को क्या करेगा। अब बेसिक बफर का मैकेनिज्म भी क्या होगा, सेम होगा, देखते हैं नीचे चल के। प्रोमिनेंट फैट लग गया कि नहीं, लग गया कि नहीं लग गया। अब देखो सवालों में, अब सवालों में भी जाएंगे थोड़ी देर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, ये टूटा, इन दोनों के बीच में कॉमन आयन है, इसको सप्रेस कर देगा, सॉरी इन दोनों के बीच में कॉमन आयन, ये इसको इस इक्विलिब्रियम को, इसकी डिसोसिएशन को करेगा सप्रेस। ये तो टूटेगा टूटेगा ना कंप्लीट, ये तो सॉल्ट है। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो अगर आप क्या डालते हो, बेस डालते हो, क्या डालते हो, ये इधर वाली साइड पे आगे ऐड हो जाएगा, तो रिएक्शन किधर की तरफ चला जाएगा, पीछे की तरफ, ये प्लस ये गिव्स दिस, ये हो जाएगा ना, क्लियर है। अब अगर एच पॉजिटिव डालोगे वो इसको अपने साथ ले जाएगा, ये और ज्यादा टूट जाएगा, ताकि इसकी वापस से कंसंट्रेशन क्या हो जाए, रिस्टोर हो जाए, तो पीएच चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। यही होता है जिसका एसिड और बेस डालने से पीएच चेंज ना हो। पहले आपने एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों, ये स्ट्रांग था, ये वीक था, ये इसकी डिसोसिएशन का करेगा, सप्रेस करेगा, कौन से इफेक्ट के कारण, सी आई इफेक्ट। ठीक है जी, सौखा है, ओखा है। नाउ व्हाट वी कैन राइट इज, लेट्स गो, नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट पीएच ऑफ एन, मैंने पहले बोल दिया पीएच ऑफ वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट का, उसका फॉर्मूला वही है जो आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में करते हो, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसके केस में आपने पीएच निकालना है, ठीक है जी, पीएच ऑफ एसिडिक बफर, किसकी बात कर रहे हैं आप, इसको देखो, इसको भी भूल जाओ, इट इज नॉट इन पिक्चर, ये लिखा, ठीक है जी, इसका के यही बनोगे ना इक्वेशन, बनोगे कि नहीं बनोगी। ठीक है जी, अब जब ये डाला हुआ है, जब ये बीच में डाला होगा, आपको पता है ये इसकी इसकी डिसोसिएशन का कर देगा, सप्रेस कर देगा, यानी कि जो अगर कॉमन आयन में जो भी, अगर मैंने क्या आपको बोला था, एक आपको स्ट्रांग चीज दे सकती हो, आपको वीक चीज सेम आयन दे सकती हो, कहाँ से मिलेगा आपको, स्ट्रांग चीज से या वीक चीज से, एसिटेट आयन यहाँ से भी मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है, आपको प्रेफरेबली कहाँ से मिलेगा, इससे, कॉमन आयन फैट करता है, इसको तो स्टॉप कर देता है, यानी कि जो भी कंसंट्रेशन एसिटेट आयन की होगी वो इस सॉल्ट के कंसंट्रेशन के बराबर होगी, होगी, ये जितना टूटेगा उतना ही बनेगा, समझ लग गई है, क्लियर है कि नहीं। अब इसका एसिटेट आयन की जगह क्या लिख दोगे, सॉल्ट लिख दोगे, एच पॉजिटिव की भी कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी भाई साहब, क्या बोलते हैं, एच पॉजिटिव पीएच निकालना ना अपना, क्या निकालना है, पीएच निकालना है ना, ये बात समझ लग गई है। इसको मैं यार इधर समझाता हूँ तुमको व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है जी, वहां चलता हूँ, वहां पे थोड़ी सी डेरिवेशन बड़ी सौखी, वैसे बच्चों बोलते हैं वो सर भूल जाते हैं, पिछले बार डेरिवेशन में कुछ भूलने वाला था, ठीक है जी, देखो व्हाट वी कैन से इज, इफ वी राइट दिस इक्विलिब्रियम, ये आपको पता होना चाहिए, दिमाग में बात अपने फीड कर लो, ठीक है, इसका के ए लिखने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एसीटेट आयन प्लस एच पॉजिटिव अपॉन एसिटिक एसिड,
इज इट ओके। अब मेरे को निकालना है पीएच, मेरे को एच पॉजिटिव की वैल्यू पता नहीं चाहिए, एंड इट विल बी सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव अपॉन सी एच थ्री सी ओ एच के ए, इज इट ओके। क्लियर है कि नहीं? नहीं यहां पे माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? ये क्या आ गया, दिस इज माइनस लॉग एच पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए प्लस माइनस लॉग सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव। बात रोई नीचे क्या रहेगा, सी एच थ्री सी ओ एच, ठीक है जी? बात रोई कि नहीं हुई, हो गई है? और दिस इज इक्वल टू पी एच, दिस इज इक्वल टू पी के ए, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग, ऊपर आ गया सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव अपॉन सी एच थ्री सी ओ एच। इज इट ओके और नॉट, इज इट ओके और नॉट ओके, ठीक है जी? निशिता समझ आ रही है, समझ आई कि नहीं? तो पीछे बैठ नहीं ना, आगे लास्ट बेंच। अब ये देखो, इसको यहां पे लिखते हैं पी एच इज इक्वल टू पी के ए। इसको अगर मैं उल्टा कर लिख दूं तो यहां पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक है? ऊपर आ जाएगा एसिड, नीचे आ जाएगा सॉल्ट एसिडेट। अब आपको एक पता है, ये देख लो, पहली बात तो सबसे पहले अभी तक आपको मैंने मेरे ख्याल से भूल गया चीज बताना, पी के ए आप बोलोगे माइनस लॉग ऑफ के, है ना? ये घटिया डेफिनेशन है, इसकी अंग्रेजी वाली डेफिनेशन यहां से आ जाती है। देखो, अगर पी एच पी के बराबर कब होगा, जब ये इसकी और इसकी अमाउंट क्या होगी, सेम होगी, ये कट जाएगा, लॉग वन जीरो हो जाएगा ना, ठीक है ना? यानी कि पी के ए, या पी के की अंग्रेजी वाली डेफिनेशन लिखते हैं, जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, ये लोगों को पता ही नहीं होता, ठीक है जी? देखो पी के ए, देखो इज इक्वल टू पी एच वेयर वीक एसिड, अभी तक तो मैंने सॉल्ट की बात ही नहीं करी, वीक एसिड इज हाफ डिसोसिएटेड हाफ अनडिसोसिएटेड, यही है, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? देखिए, ये पी एच इज इक्वल टू पी के व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस। पी एच कब पी के बराबर होगा, जब ये और ये क्या सेम होंगे, ठीक है जी? अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज दिस लोगों ये अगर ये लाइन नहीं ना पता, तुम्हारा एक क्वेश्चन नहीं होता बायोमोलिक्यूल्स का, वो होना भी नहीं है तुम्हारा, ठीक है ना? समझ लग गई है? अब देखो, कहता जब पी ए पी एच पी के से ज्यादा कब होगा, वेन विल बी पी एच ग्रेटर देन पी के, बताओ। यानी कि एसिड क्या होगा, एसिड कैसे एग्जिस्ट करेगा, इन अनडिसोसिएटेड फॉर्म, यानी कि प्रोटॉन लगा होगा, ठीक है? कोई पूछे आपको एक साइट दी हुई है, कोई साइट दी हुई है, फॉर एग्जांपल जैसे फिनोल, फिनोल का पीएच होता है 10 के आसपास, ठीक है जी? अब बताओ पीके, फिनोल का पीके होता है 10 के आसपास, 10, ठीक है जी? अब बताओ, कहता है अब पीएच 11 पे, पीएच 11 पे वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? सेकंड वाले पे करना। हाँ, सेकंड वाले पे, ठीक है जी? समझ लगी? तो
क्योंकि पीएच की वैल्यू क्या है, पीके से ज्यादा है, गिवन पीएच इज ग्रेटर देन पीके, ठीक है जी, गिवन पीएच इज ग्रेटर देन पीके, ठीक है जी, क्लियर है। और अगर आपका क्या बोलते हैं पीएच लेस देन पीके हो तो वहां पे क्या आके लग जाता है, अगर पीएच 9 हो तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी उस पर उसके ऊपर ऐसे लगा होगा कि नहीं लगा होगा। आपको साइट्स का पीके पता बताऊंगा, याद कराऊंगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में क्वेश्चन आ जाना है, तो आपने क्वेश्चन यहाँ देखना है कि जिसका पीके पीएच जिस साइट के लिए पीएच पीके से कम हो जाएगा वहां पे जाके क्या लग जाएगा, एच पॉजिटिव, वहीं पे लगेगा और दूसरी किसी साइट पे नहीं लगेगा। बात क्लियर हुई है? ठीक है जी, ठीक है, क्लियर। एट पीएच ग्रेटर देन पीके, एट पीएच ग्रेटर देन पीके वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी, मतलब एच पॉजिटिव डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, किसमें, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में, मतलब प्रोटोन ही लगा होगा, जरूरी नहीं कि नाइन की फॉर्म में हो, आप बोल सकते हो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म। एट पीएच लेस देन पीके, एट पीएच लेस देन पीके वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, प्रोटोनेटेड फॉर्म, ठीक है, ठीक है। अब जब पीएच पीके के बराबर हो जाएगा तब हाफ प्रोटोनेटेड हाफ डीप्रोटोनेटेड, ठीक है जी, क्योंकि यहां पे देखोगे ना जब ये इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यहाँ माइनस में आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, डेसिमल में कुछ आंसर आएगा, माइनस में आएगा, और जब भी इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो पी एच पी के से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई, ये बात आपने याद रख ली, ठीक है, ये रिलेशन यहीं से आया। अब हम जो हम यहाँ पे अभी डेरिवेशन कर रहे थे वहां पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो क्योंकि हम बफर के ऊपर बात कर रहे थे, अब हमको पता है ये तो चलो हमारे को क्वेश्चन में दिया होगा कि इसका के ए कितना है, पीके निकला है, पीएच निकालना होगा, ठीक है जी, वीक एसिड का के ए दिया होगा, किसका दिया होगा, वीक एसिड का। अब आपको पता है जब ये दोनों आप इकट्ठे डाल दोगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा बहन जी, क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा भाई, हाँ जी, कॉमन आयन, कॉमन आयन फैट क्या करता है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सेम आयन दे सकता हो जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट से मिल रहा है, तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ जो आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन के बराबर होगी, यानी कि एसीटेट की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी, जो इसके मिल रही, यहां से एसीटेट आयन आपको नहीं मिलेगा, यानी कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ऊपर क्या लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, समझ लग गई है, ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, ब्लैक बैक जो बोलना बोल दो, हेजलबैक इक्वेशन, ठीक है जी, ये होती है बेसिक इक्वेशन पीएच निकालने की। आपने फॉर्मूले देखे थे है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले, वहां पे सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन आती थी, सॉल्ट की, वहां पे एसिड की कंसंट्रेशन नहीं आती, यही बेसिक फर्क, यही फर्क है कुछ फॉर्मूलों, ये क्वेश्चन बफर पे आया है तो क्वेश्चन एसिड पे आया, ठीक है जी, अगर आपको दोनों की कंसंट्रेशन मिल जाए क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब क्वेश्चन कहाँ पे आया है, बफर के ऊपर, अगर सिर्फ आपको सॉल्ट की कंसंट्रेशन मिले तो क्वेश्चन कहाँ पे आया है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है जी, बात क्लियर हो गई है, समझ लग गई है, बात क्लियर हो गई या नहीं, समझ लग गई पाजी। अब देखो अगर मैं यही बात वहां पे कर लूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाले के लिए, अमोनियम क्लोराइड ले लूं और साथ में क्या ले लूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लूं, कॉमन आयन फैट यहां पे भी लग जाएगा, ये अमोनियम आयन, अब मैं पूरी डेरिवेशन करूं कि ना करूं, पूरी डेरिवेशन करूं कि ना करूं,
चल तुम मेरे को बताना स्टेप बाय स्टेप क्या होता है अमोनियम प्लस क्लोराइड। इसके लिए के बी लिखेंगे ना, क्योंकि वीक बेस है, क्या आ जाएगा अमोनियम आयन HO नेगेटिव अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बात सही है गलत है, कोई नई बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। अब इसके बाद क्या करना था अपन ने, अब ये देखो यानी कि OH नेगेटिव की वैल्यू क्या हो गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OH नेगेटिव, इट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाय अमोनियम आयन के बी मैडम के बी। ठीक है जी, औखा के सौखा है। अब लास्ट स्टेप क्या, माइनस की एच लेना है, माइनस लॉग लेना है, माइनस लॉग दोनों साइड पे ले लो, ओ एच नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग के बी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस लॉग अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपॉन अमोनियम आयन। ठीक है जी, बात क्लियर है कि नहीं, कुछ डिफरेंट किया। सो दिस इज नथिंग बट PUH, दिस इज नथिंग बट PK माइनस माइनस उसके ऊपर लिख दूं लॉग अमोनियम आयन कुछ गलत नहीं करा मैंने, ये उल्टी नहीं लिख दी क्वेश्चन। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया ना मैंने, ऊपर ऊपर अमोनियम आयन था ना। नहीं, ठीक तो है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रीरेंज तो करा था क्वेश्चन को, ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई होकर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है वो, ठीक है, ठीक है। अब ऊपर क्या आ गया, अमोनियम आयन, और नीचे क्या आ गया, अमोनियम हाइड्रो। ठीक है जी, क्लियर है। तो दिस अमोनियम आयन की वैल्यू क्या लिखेंगे, अमोनियम आयन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अमोनियम आयन कहां से मिल रहा है, सॉल्ट में से कि बेस में से, अमोनियम आयन कहां से मिलेगा अपने को, सॉल्ट में से। क्यों, क्योंकि तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर लिखनी है, सॉल्ट के बराबर, इसकी कंसंट्रेशन किसके बराबर लिखनी है, बेस के बराबर। समझ लग गई, ठीक है। पर हम इसको अगर पीएच की फॉर्म से लिखना चाहें, देखो अब क्या लिखेंगे, पीओएच क्या होता है, 14 माइनस पीएच, ये किसके बराबर होता है, 14 माइनस पी के ए। ठीक है, ये पी के ए किसका है, किसी और चीज का, इसी चीज के कॉन्जुगेट एसिड का। ठीक है ना, वो बात याद रखनी। ठीक है, 14 माइनस पी के, इसकी जगह ये फिल कर दिया, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर बेस। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है जी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, अब इस इक्वेशन को करेंगे हम रीअरेंज, करें इस इक्वेशन को कैसे, ये पार्ट इधर ले आए, पी के माइनस का था इधर, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का, देखते जाना क्या हो रहा है। पी के इधर माइनस का था, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है जी, ये इधर प्लस का, इधर आगे क्या हो जाएगा, ठीक है, ये इधर प्लस का था, इधर आ क्या जाएगा, इधर बचा 14, इधर साइड से,
इधर आके 14 माइनस का हो जाएगा, इधर पीएच माइनस है उधर आके क्या हो जाएगा, ये कट गया, पीएच बच गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्या ऑल क्लियर है? ठीक है जी। अब अगर आपको पी के ए ही दिया हो, ठीक है ना, पी के ए प्लस लॉग बेस ओवर सॉल्ट, उल्टा करके ऐसे लिख दोगे ना, ठीक है जी, समझ लग गई है? ठीक है, क्लियर है कि कुछ गड़बड़ हो गई है? समझ लगी है नहीं, कुछ स्टेप पे गड़बड़ नहीं हुई? ठीक है जी। तो आपको क्या होगा, आपको एक बात याद रखनी है, आपको अमोनिया का क्या दिया होगा, केबी दिया होगा। अमोनियम आयन का क्या पता होना चाहिए आपको, के ए पता होना चाहिए। ये जो पी के ए निकाला है ना, वो इसके के ए से निकाला है, इसके के ए से, क्योंकि तो इसका कॉन्जुगेट एसिड यही ना, यही बोला था मैंने, समझ लग गई है? क्लियर है? यहाँ पे जो यूज करना आपने के ए कौन सा यूज करना, अमोनियम। अगर के बी यूज करना तो इसका यूज करना, ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है, ये बेस है, बेस का क्या होता है कॉन्जुगेट एसिड, वो कैसे बनता है, बेस के ऊपर प्रोटोन लगा, समझ लग गई है? दीज आर स्मॉल थिंग्स, आप निकाल लोगे क्या? नहीं, ये भी हेंडरसन, क्योंकि हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन है, इसी फॉर्म में लिखी, पी एच की फॉर्म में लिखी जाती है। किसकी फॉर्म में लिखी जाती है, पी एच पी ओ एच की फॉर्म में, नहीं इसीलिए इसको रीअरेंज करा था, सीधा ही पी एच निकल आएगा। क्लियर है? तो आप आपको देख रहे हो यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई। अगर आपको सिर्फ सॉल्ट की कंसंट्रेशन दी हुई है तो वो सवाल कहाँ आएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे। अगर सॉल्ट के साथ साथ आपका बेस की कंसंट्रेशन भी मिल गई है तो मतलब किस पे आ गया है, बफर पे क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे कोई आपका वो है डाउट क्वेश्चन, इसको इस इक्वेशन को याद करना कोई डिफिकल्ट है? आप बेसिक इक्वेशन लिखते हो ना वो ली, क्या बोलते हैं, जो आप स्टैंडर्ड के लिख रहे हो वहीं से आप इस इक्वेशन में पहुंच जाते हो, ठीक है ना, जो आपको हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखनी सिखाई थी। कुछ नया चीज तो नहीं करा ना मैंने, क्या करा, नहीं करा। चलो फिर अब देखते हैं, वहां पे भी उन्होंने ऐसी बातें करी, कुछ और बातें करी। लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी व्हाट ही हैज डन। इफ द स्टेप वही करें, उसने सारे आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे। ये आया था पी पी एच, ये किसका था, एसिडिक बफर का। अब बेसिक बफर का देख लो, ठीक है ना, यही था, बेस ऊपर आया था सॉल्ट। अगर पी के बी की फॉर्म में लिखा है तो सॉल्ट ऊपर होता है बेस, यहाँ पे सॉल्ट ऊपर एसिड नीचे है ना, ये तो नॉर्मल बात होगी ना, पीएच के साथ या पीओएच के साथ बात होगी। बट अगर आप ऐसा करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। 14 माइनस पी के बी, पी के बी की जगह 14 माइनस पी के बी क्या लिख देंगे, पी के ए, यही ना, पी के कौन सा, ये देख लो ये नीचे लिखा होगा उसने, ये पी के बी किसका दिया हुआ है, अमोनिया का। आप वो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे कि ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जो मर्जी यूज कर लो, पी के इज नथिंग, यहाँ पे जो पी के लिखते हैं वो कहता है इसके कॉन्जुगेट एसिड का, अमोनिया का नहीं अपने को चाहिए। आपने अगर यहाँ पे पी के लिखना होता ना सीधा, तो अपने को यहाँ पे किसका पता होना, पी के ए पता चाहिए किसका, अमोनियम आयन का। बता अपने को किसका पता है, पी के बी पता है किसका, अमोनिया का। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, यहाँ पे वो फिल कर दो वैल्यू, ठीक है जी। कहता कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बनाना है पीएच 9 व्हेन टोटल कंसंट्रेशन ऑफ बफरिंग रिएजेंट इज 0.6 एमएल, ठीक है जी। ये अभी ऐसा सवाल अभी नहीं, डायरेक्ट इस पे नहीं जाएंगे, मैंने इस पे नहीं जाना अभी, ठीक है, क्लियर है? कितना टाइम, कितना लग हो गया, 40 मिनट्स का हो गया लग। तो इसके सवाल अब हम कल करेंगे, ठीक है। एक बफर की कैपेसिटी होती है, क्या होती है बफर की, बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी क्या होता है, ये डेल्टा बी बाय डेल्टा पीएच है, ये डेल्टा बी नहीं डेल्टा एन है, कितने, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कितने नंबर ऑफ मोल्स आप एसिड के डालो और पीएच डालो 1 लीटर बफर में, 1 लीटर बफर में
हाउ मैनी मोल्स बफर की वॉल्यूम कितना होना चाहिए? एक लीटर मिनट, हाउ मैनी मोल्स ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू चेंज इट्स पीएच बाय वन, टू चेंज इट्स पीएच बाय, कि उसका पीएच एक से चेंज हो जाए, कितना आपको इस कितने एसिड के मोल डालने पड़े, कितने बेस के मोल डालने पड़े 1 लीटर बफर में। तो आपको मान लो भाई कितना डेल्टा बी मोल्स अगर डालते हो तो उसका पीएच चेंज हो जाता है डेल्टा पीएच से, ठीक है ना? डेल्टा पीएच इज चेंज बाय दिस मच मोल्स, 1 पीएच का चेंज कब आएगा? डेल्टा बी बाय डेल्टा, यही हुआ ना यस डेफिनेशन, तो यही है ना कि जब पीएच कितने से चेंज हो जाए, 1 से चेंज हो जाए, ठीक है, तब कितने मोल्स डालने हैं 1 लीटर बफर, वॉल्यूम बफर का कितना होना चाहिए? अगर क्वेश्चन में आया कितना डेल्टा बी मोल डालने से डेल्टा पीएच चेंज आता है, इतना पीएच चेंज होता है, 1 पीएच के चेंज कब होगा? ठीक है, डेल्टा बी बाय, समझ लगी क्या? नहीं तो दिस इज द बफर कैपेसिटी। और बफर कैपेसिटी किसी भी बफर की मैक्सिमम कब होती है? जब पीएच कब होता है इक्वल टू पी के ए, जब वो हाफ डिसोसिएटेड हाफ आगे रिएक्शन हो सकता है ना, वहां पे बफर कैपेसिटी उसकी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। एट पी के ए बफर कैपेसिटी ऑफ एसिडिक बफर इज मैक्सिमम, एट पी के बी बफर कैपेसिटी ऑफ बेसिक बेसिक बफर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम ये क्वेश्चन आ सकता है तुमको, ठीक है जी? बात की रही कि नहीं हुई? ठीक है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन कहीं मिल जाए। देयर इज अ बफर कैपेसिटी डेफिनेशन, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच पॉजिटिव आयंस और ओ एच नेगेटिव आयन दैट शुड बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम ऑफ बफर शुड बी, अगर मान लो आपको 10 मोल डाले 500 ml में, पहले आपने देखना कितने मोल डाले हैं 1 लीटर में, कितने होंगे, वो वैल्यू यहां पर नहीं है। सो हैज टू चेंज द बफ द पीएच बाय 1 यूनिट, एक का चेंज आ जाए, ठीक है जी? अब बी इसको बीटा से डिनोट करते हैं, इट इज नथिंग बट डेल्टा एन बाय डेल्टा बी एच, ठीक है जी? ओके, बफर कैपेसिटी का दूसरा नाम क्या? ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बफर इंडेक्स व्हिच इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बफर एसिड और बेस रिक्वायर्ड फॉर चेंज इट्स पीएच वैल्यू बाय 1, कितने से, क्योंकि बफर के अंदर क्या होगा, एसिड होगा या, और आप बाहर से भी क्या डाल रहे हो, एसिड डाल रहे हो और बेस डाल रहे हो, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है? जब पीएच कितने से चेंज हो जाए, 1 से चेंज हो जाए, कीपिंग सॉल्ट इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या रहनी है, टोटल ऑफ दिस विल बी कॉन्स्टेंट, एसिड और बेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी कंसंट्रेशन की, ठीक है, बट टोटल ऑफ एसिड प्लस सॉल्ट शुड बी कॉन्स्टेंट, टोटल ऑफ बेस प्लस सॉल्ट शुड बी कॉन्स्टेंट, दिस शुड नॉट चेंज, बाहर से बस एसिड डाल लो या बेस डाल लो, ये इनका टोटल ही चेंज होना चाहिए, ठीक है जी? बाकी चाहे चेंज, एसिड चेंज हो जाएगा, बेस की इंडिविजुअल कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, ये बात है, ठीक है? सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग टुमारो, ठीक है जी? सवाल करेंगे, सवालों का हेर फेर है, इस पे आएंगे लास्ट में, ठीक है जी? अब यानी कल है शनिवार, कल शनिवार है,